हेलो गाइस, अर्जुन हियर, वेलकम टू जन्नत क्रिकेट टिप्स। तो गाइस, जन्नत क्रिकेट टिप्स मतलब एक अलग ही लेवल का काम है और हर एक मैच की स्क्रिप्ट इजीली मुझे फॉरवर्ड हो जाती है। गाइस, कल तुम लोगों को पाकिस्तान बीएस साउथ अफ्रीका ब्लूमेन का मैच था, तो गाइस काफ़ी लोगों को मैंने वैसे स्क्रिप्ट में ही अपडेट कर दिया था, गया था कि स्कोर कितना होगा और क्या है क्या नहीं। लेकिन काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे कि सर मैच में बता दो, सर मैच के बाद पेमेंट कर देंगे, लव लव लव, बहुत सारी बातें। तो गाइस, मैंने जैसे ही तुम लोगों को इनिंग ब्रेक में एंट्री दी कि मैच विनर साउथ अफ्रीका वुमेन रहेगा, और पेड में तो ये भी अपडेट कर दिया, बैक टू बैक विकेट जाएंगे पाकिस्तान के। और ये तुम लोगों को पहली वीडियो में बोला गया था कि 17-18 रन से पहले ही विकेट जाएगा, और गाइस बैक टू बैक सिर्फ और सिर्फ 10-15 मिनट में 10 पैसे साउथ अफ्रीका वुमेन्स। तो गाइस, इसका मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए कि मतलब क्या है क्या नहीं है, एक लिमिट से एक लिमिट ही प्रॉफिट हुए होंगे। गाइस, मैंने तुम लोगों को ये पहले बताया था कि ये मैच को इग्नोर मत करना, ये अच्छा खासा प्रॉफिट दे करके जाएगा। इन्हें भी गाइस बात करते हैं, यहाँ पर रॉयल्स वर्सेस एसटी किट्स के बीच में मैच खेला जाएगा। तो गाइस, इस मैच की स्क्रिप्ट आ चुकी है, मैच किस तरीके से होगा, और गाइस अभी तक बैक टू बैक मैचेस पास है पूरा सीपीएल में। अभी तक के सीपीएल में किसी आईडी में 35 लिमिट प्लस है, किसी में 38, किसी में 36, किसी में 27, किसी में 23, इस तरीके से जो लोग लेट जॉइनिंग करते हैं ना, उन लोगों को कम प्रॉफिट कराया जाता। तो गाइस, बस इतना ही बोल रहा हूँ कि अभी स्टाफ अवेलेबल नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग के लिए। अगर तुम्हारी मिनिमम 50,000 की भी लिमिट है तो प्रॉफिट शेयरिंग में जुड़ सकते हो, बट एंट्री बैट प्लेस तुमको ही करनी होगी। एंट्री को रोबोट की तरह फॉलो कर लेना, प्लस रहोगे, बस एंट्री को रोबोट की तरह फास्ट फॉलो करना, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो गाइस, इस मैच की स्क्रिप्ट शो करते हैं, मैच नंबर 18 की, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच खेला जाएगा। तो गाइस, जैसे कि मैच नंबर 18 है, और मैच नंबर 18, मैच नंबर 19, मैच नंबर 20, मैच नंबर 21, मैच नंबर 22, मैच नंबर 23, मैच नंबर 24, मैच नंबर 25, मैच नंबर 26, मैच नंबर 26 तक तुम लोगों को टारगेट रहेगी मिनिमम 15 से 25 लिमिट प्लस कराने की। क्योंकि गाइस, अभी क्या है कि बैक टू बैक तुम लोगों को एल लगाए हैं इस सीपीएल में, बीच में तुम लोगों को लगाया जन्नत क्रिकेट टिप्स, तो हर एक मैच से प्रॉफिट निकालना जानता है, और री एंट्री अगेन एंट्री से ही प्रॉफिट निकाला जाता है। तो गाइस, यहाँ पर अभी क्या है कि 3 डेज में, मतलब मैच नंबर 18, मैच नंबर 19, मैच नंबर 20 और मैच नंबर 21, 4 मैच में 2 घोड़े जैकपॉट मैच है। तुम खुद से भी प्रॉफिट रह सकते हो, बट एक लिमिट से एक लिमिट ही प्रॉफिट रहोगे। ये तो वाली बात होगी कि धुएं में लठ मारो ना यार, मतलब तुम किसी भी टीम पर बैट प्लेस करोगे तो तुम 2 दिन में 2 लिमिट प्लस इजिली हो जाओगे। बट गाइस, टारगेट रहेगी चार मैच में ही मिनिमम 12 से 14 लिमिट प्लस कराने की टारगेट रहेगी। फिर इसके बाद तुम्हारे एल लगना बर्बाद हो जाओगे, मतलब जिस टीम पर तुम लोग ना लगाने की एंट्री लोगे, खाने की एंट्री लोगे, तुम 70 पे खाओ तो सीधे 50 का रेट मिलेगा, 50 पे खाने जाओगे तो 30 का रेट मिलेगा, 30 का रेट पे खाने जाओगे तो सीधा 14 पैसे का रेट मिलेगा। तो गाइस, ऐसा मैचेस होने वाले हैं 4 मैच के बाद। तो गाइस, बस इतना ही बोल रहा हूँ कि जन्नत क्रिकेट टिप्स के साथ जुड़ जाओ, पूरा सीपीएल पैकेज है 2 पेटी का, जिसमें से 1 पेटी तुम लोगों को एडवांस पेमेंट करना है, 1 पेटी मैच के बाद, मतलब लगभग 10 मैच के बाद मिनिमम 10 से 15 लिमिट प्लस कराया जाएगा, तब पे करना। एग्जाम्पल के लिए तुम्हारी 2 पेटी की लिमिट है तो तुम लोगों को 18 से 20 लिमिट प्लस करा दिया जाए, तब तुम लोगों को पे करना है। एनीवे गाइस, आते हैं अपने टॉपिक पर। तो गाइस, यहाँ पर टॉस विनर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स करता है। तो गाइस, मैं बता दूँ, यहाँ पर टॉस जीतेगा रॉयल्स, फर्स्ट बैट पर आएगा एसटी किट्स, और गाइस जब फर्स्ट बैट पर एसटी किट्स आएगा तो 6 ओवर जो सेशन ओपन होगा, लगभग जो सेशन ओपन होगा 47-48-49 होगा, इस सेशन को नोट करना। बाकी तुम लोगों को 10-15 ओवर हो सकता है मैं टेलीग्राम पर अपडेट करूं, बट लंबी तुम लोगों को अपडेट करूंगा कि क्या करना है। वैसे गाइस, मैं बता दूं जो स्कोर होगा इसका एस टिकट्स का लंबी का 175 से 180 के बीच में स्कोर होगा। अब देखने वाली बात है गाइस कि इस स्कोर को रोल चेंज कर लेता है या फिर डिफेंड करा देगा एस टिकट्स। बट गाइस, इंटरेस्टिंग बात यह है कि रोल्स टॉस जीत करके 1% फर्स्ट बैट पर आता है तो सेम सेशन ओपन होगा 49-50, ये सेशन तुम लोगों को सेम नोट करना है, नोट की एंट्री लेनी है। 10-15 ओवर तुम लोगों को अपडेट मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइनिंग कर लेना, लंबी जरूर मिलेगा अपडेट।
तो गाइस लंबी की बात की जाए तो कुछ लंबी में इसका 177 से 187 के बीच में स्कोर होगा रोल्स का। आप देखने वाली बात है गाइस कि कौन सी टीम इस मैच को विन करती है। गाइस वैसे मैं बता दूं अभी पेड में ही वर्क करेंगे ये, मतलब सैटरडे संडे तक वेट करिए, सैटरडे संडे तक एक मैच ओपन कराऊंगा। बाकी सिंगल मैच की फीस रहेगी 25,000 और पूरा CPL का पैकेज अपडेट कर दिया। सजेस्ट यही करूंगा गाइस, ज़्यादा प्रॉफिट अराउंड 30% प्रॉफिट शेयरिंग ज्वाइनिंग करिए। अगर मिनिमम 2 पेटी से 10 पेटी के बीच में लिमिट है तो पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना नाम लिमिट, तुम लोगों को मेरी टीम रिप्लाई कर देगी। एंड गाइस तुम लोगों की बैट मैं खुद ही पर्सनली करूँगा और तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कराऊँगा। तो गाइस बस इतना ही बोल रहा हूँ कि जन्नत क्रिकेट टिप्स के साथ जुड़ जाओ और अपनी जन्नत बनाओ। गाइस एक बात बताऊं, अगर तुम लोगों को विकेट खेलने का शौक है तो यहाँ 1% रोल्स यहाँ पर फर्स्ट बेट पर आता है तो 23 रन से पहले पहले विकेट जाएगा। मतलब एग्जाम्पल के लिए 12 रन के बाद विकेट लगा देना, तुम लोगों को 28 से 30 रन का विकेट मिल जाएगा, लगा देना। अगर यहाँ पर ST किट्स का तुम लोगों को विकेट चाहिए तो तुम लोगों को यहाँ पर भी 25 रन से पहले विकेट मिल जाएगा। तो 12-13 रन जैसे किसी भी टीम के बन जाते हैं उसके बाद विकेट पर पैसे लगा सकते हो दोनों ही टीम पर। और गाइस तुम लोगों को लंबी टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा और दोनों ही टीम की 6 ओवर सेशन नोट कर लेना। दुआओं में याद रखना आपका अपना भाई अर्जुन। वीडियो को लाइक